सुबह का वेट है 63.5। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर सीरीज व्हाट आई ईट इन अ डे। एंड लास्ट नाइट मुझे एक दिल्ली में आई गेस कहीं जाना पड़ गया था विद फैमिली, सो मैंने वहाँ पे एज सच कुछ खाया नहीं था, जस्ट वन और टू बाइट्स ऑफ हमस पीता का जो रैप आता है उसका। एंड काफ़ी लेट नाइट हो गया था तो अभी मेरा वर्कआउट जब स्किप हो गया, मैंने नहीं किया वर्कआउट। मैं शाम को डेफिनेटली जिम जाऊंगी एंड आई डू एटलीस्ट एक घंटे का कार्डियो। एंड अभी जस्ट मैंने फेस वॉश किया है एंड टोनर अप्लाई किया, दिस इज़ माय मॉइस्चराइज़र, लास्ट टाइम आप लोगों का स्किन केयर का आया था। सो ये एक मॉइस्चराइज़र है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इससे मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो गई। यू कैन सी बस लाइट से मार्क्स ही रह गए पिम्पल्स के। ओके, ओके, नेक्स्ट इज आई हैव दिस विटामिन सी सीरम, सीरम नहीं, इट्स जस्ट अ क्रीम, जस्ट अ ड्रॉप आई एम यूजिंग हियर। नाउ लेट्स गो टू आवर किचन एंड हैव सम मॉर्निंग ड्रिंक एंड ब्रेकफास्ट। थोड़ी सी आईज में पफिनेस है लेट नाइट की वजह से, बट ठीक है, हम इसे आज पूरे दिन में ठीक कर लेंगे। ओह माय गॉड, तुम्हें ब्रश चाहिए और तुम्हें लगता है तुम मुझे डराओगे और ये ब्रश तुम्हें मिल जाएगा। ओके, लेट्स गो। ओके, सो हम बना रहे हैं यहाँ पे मॉर्निंग ड्रिंक और मैंने कुछ सोप नहीं करा था, काफ़ी लेट हो गई थी। सो यहाँ पे मैंने लिया आधे कप गर्म पानी एंड यहाँ पे मेरे पास है मेरा एप्पल साइडर विनेगर, शेक करेंगे इसको, थोड़ा सा लेंगे एंड इसके साथ हमारे पास है सम सोप नट्स, बादाम, अखरोट एंड किशमिश। इतने सालों के इस करियर में मैंने इतना समझा है कि हर बॉडी का एक वेट का लेवल होता है, कि इस लेवल से जो बॉडी है वो वेट एक्सीड नहीं करती काफ़ी स्टेज तक। जैसे मेरा लेवल है 65 था मेरा लास्ट, कि मेरा वेट मैक्सिमम जो स्ट्रेच हम कर सकते हैं वो 65 कर सकते हैं। दिस टाइम मेरा वेट मैक्स गया है 66 का, क्रॉसिंग करा है, वो मुझे बड़ा डरा दिया था उसने, बहुत बहुत ज़्यादा डरा दिया था, बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी उस नंबर ऑफ वेट से ना। सो या अभी मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ बहुत जल्दी हम वापस जाएं अपने ट्रैक पे। क्या बात है, हम ब्रेकफास्ट पे, ब्रेकफास्ट के लिए हमारे पास है रोटी हमारी जौ और ज्वार की, साथ में हमारे पास है आलू बीन्स की सब्ज़ी एंड मैं दही ले रही हूँ साथ में, माय दही। ओके, रोटी मुझे सुबह मिल जाए तो मेरे से पूरे दिन इजी डाइट हो जाती है, अगर मुझे सुबह रोटी नहीं मिल रही तब मेरे से डाइट पूरे दिन बहुत मुश्किल से कटती है, बहुत मुश्किल से दिन कटता है मेरा। आ जाओ जी, यहाँ पे हमारे पास है आटा जौ ज्वार का, इसमें गेहूँ हमने नहीं डाला है। अब हम बनाएंगे इसका मोटा सा एक पेड़ा, हैवी पेड़ा, पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए, पिज़्ज़ा का पेस्ट बनाने के लिए, और पूरी फीलिंग से बनाएंगे पिज़्ज़ा, ऐसे नहीं रोटी वाला पिज़्ज़ा, पूरी भावनाएं जागरूक करेंगे। ओके, दिस मच इज इनफ। चलो अब इसको हम बेलते हैं बढ़िया से, ये ठीक है। ओके, दिस बेस इज रेडी, परफेक्ट। चलो आज वो बनाते पिज्जा। ओके, ये डाल दी हमने बेस, अभी हम पहले बेस को आधा कच्चा आधा पक्का पकाएंगे। ये हमारे पास सब्जियां, इसमें हमारे पास टमाटर, प्याज, कैप्सिकम, बेल पेपर्स, यहाँ पे हमारे पास है कॉर्न बॉईल कर रखे हैं हमने, और हमारे पास थोड़ी सी है चीज़, हमारे पास पनीर भी रेडी है। मेरा बेस है वो आधा कच्चा आधा पक्का रेडी हो चुका है, अब इसके ऊपर मैं बहुत सारी चीज़ें लगाऊंगी और फिर हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। चलो सबसे पहले मेरे पास है हमारी मिंट की होममेड चटनी ताज़ी, इसको हम इस पर स्प्रेड करते हैं अच्छे से। अब हम लगाएंगे हमस। ओके,
रखा है इतना सारा हमस। नेक्स्ट इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ हमारे कॉर्न बहुत सारे। ओके नेक्स्ट इसमें हम डाल रहे टमाटर थोड़े से। नेक्स्ट इसके अंदर हम डाल रहे थोड़े से कैप्सिकम और बेल पेपर्स जो भी आप बोलो। नेक्स्ट मेरे पास है अनियंस, चार तरफ सब्जियां स्प्रेड कर लूँ। नेक्स्ट मैं डालूंगी थोड़ी सी हमारी पनीर। नेक्स्ट हम डालेंगे थोड़ा सा चीज। नेक्स्ट हमारे पास है पिज्जा सीजनिंग, डाल दो डाल दो डाल दो जितना मर्जी आए डाल दो, फीलिंग से खाएंगे। नेक्स्ट हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और अब हम इसे कुक करेंगे। हमारा पिज्जा इस तरीके से दिख रहा है, अब हम इसको कवर कर देंगे अच्छे से और इसको सिम आंच पे हम कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक। पिज्जा इट्स लाइक अ थिन क्रस्ट पिज्जा। ओके माय आज का जो वेट है 62.7। ओके आज के ब्रेकफास्ट में मेरे पास है दही, आलू गोभी की सब्ज़ी एंड मेरी जॉर्ज वार वाली कड़क सी रोटी। क्विक अपडेट, मैं अपने पुराने कपड़े ट्राई कर रही थी जो मुझे पिछले 2 हफ्तों से आ भी नहीं रहे थे और अब ये इतने लूज़ हो चुके हैं एंड बड़ा मज़ा आ रहा है। खाने से भी डर लगने लग गया है थोड़ा थोड़ा, कपड़े फिट आने लग गए हैं जो नहीं आ रहे थे। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। आज सारे मैंने कपड़े ट्राई करने के लिए निकाले हैं कि मेरा कुछ लूज़ हुआ है, देखूं इंचेस कितने गए हैं एंड टमी से तो बहुत अच्छे इंचेस गए हैं, स्वेलिंग ख़त्म हुई है।